हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आबेद और आप देख रहे हैं आबेद टेक्निकल सपोर्ट को। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ब्राउज फीचर ज़्यादा ज़रूरी है या सजेस्टिंग वीडियो ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूबर हो, आप डालते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, सजेस्टिंग वीडियो ज़रूरी है, ब्राउज फीचर ज़रूरी है, इम्प्रेशन ज़रूरी है या फिर YouTube सर्च जरूरी है, आपके वीडियो किस में आना बेटर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इम्प्रेशन में चाहते हो तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रेशन YouTube पहले आपको 50, 60, 90, 100 और 120 तक देगा, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इम्प्रेशन देने के बाद अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आया, इम्प्रेशन यानी जब आप YouTube खोलते हो तो उसको सामने नज़र आना फ्रेंड्स, सामने नज़र आता है तो उसको कहते हैं इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, इम्प्रेशन का मतलब, अगर वो आदमी जो देख रहा है उसको आपकी वीडियो जिस टॉपिक पे, जिस कैटेगरी पे, उसको अगर वो पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देगा फ्रेंड्स। तो इम्प्रेशन से अगर वो क्लिक नहीं करेगा तो आपका इम्प्रेशन घटता जाएगा, आपके वीडियोज़ पर व्यूज नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे नंबर की, ब्राउज फीचर की। दोस्तों, ब्राउज फीचर आना बहुत बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ब्राउज फीचर भी सेम इम्प्रेशन के जैसा ही है, वो अब नहीं आएगा। जब आप वीडियो अपलोड करते रहेंगे, डेली प्रोसेस पे अपलोड करेंगे, तो ब्राउज फीचर आपको 1 मिलियन भी आ सकता है, 1K भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। नंबर तीसरी बात करते हैं, टॉप सजेस्टिंग वीडियो। अगर आपका रिलेटेड कुछ है, जैसा कि मान लो आपने एक टेक्निकल वीडियो बनाया कि यूट्यूब पे वीडियो डालने का सही प्रोसेस, अगर किसी और ने बना दिया, वही वीडियो आपका सेम मैच हो रहा है, वो बंदा देखते देखेगा तो नीचे आपका भी वीडियो उसको शो होगा, तब जाकर वो जब क्लिक करेगा तो आपको व्यूज आएंगे, उसे कहते हैं सजेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, ये हो गया सजेस्ट। और यूट्यूब सर्च का मतलब है कि अगर बंदा, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, वो वीडियो अगर वो सर्च करता है तो आपका टॉप पे आएगा या नीचे आएगा, वो तो बाद में कहूँगा दोस्तों। पहले आपको बता दूँ कि इन सब में मेन ज़रूरी ये है कि आपका वीडियो सर्च में आना चाहिए फ्रेंड्स। सर्च में आना बहुत ज़रूरी है। सर्च में आने के लिए आपको कुछ इस तरीके से काम करना होगा कि डेली वीडियोस अपलोड होने चाहिए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, लेकिन डेली उसी समय उसी वक्त वीडियो अपलोड होने चाहिए, चाहे पीछे के वीडियोस पर व्यूज आए, वायरल हो या ना हो, आपको डेली शेड्यूल पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यूट्यूब सर्च पे आने का मतलब आपके लाइक्स भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। इम्प्रेशन से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर प्रैंक वीडियो वाले होंगे, फनी वीडियो वाले होंगे, और मान लीजिए वो फैक्ट होता है ना, अपना फैक्ट वीडियो वाले होंगे, वो सबको दिखेगा, जिससे उनको कोई वास्ता ही नहीं है, आप जो वीडियो बनाए टेक का वीडियो उसको वास्ता ही नहीं है। तो इसी तरीके से इम्प्रेशन, ब्राउज फीचर, सजेस्टिंग, इन सबसे जो भी है उनसे एक्सटर्नल, मैं आपको एक्सटर्नल के बारे में भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि अगर आप अपना लिंक फेसबुक पे शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, तो उसको एक्सटर्नल कहा जाता है फ्रेंड्स। वो गलती आप भूल कर भी मत करना। इससे क्या होता है कि आपका जो क्लिक थ्रू रेट होता है, जो इम्प्रेशन, ब्राउज फीचर, यूट्यूब सर्च, ये सब घट जाता है दोस्तों। कभी आप अपने खुद ही से इन प्लेटफॉर्मों पर मत डालना अपना वीडियो का लिंक। दोस्तों, वीडियो का लिंक मत डालना, सबर करना, पेशेंस रखना, वीडियो अपलोड करते रहना, एक ना एक वीडियो पक्का आपका सारे वीडियोस को लेके जाएगा। जैसा कि मैं आपको, आप चेक कर लेना, मेरा एक वीडियो है धनी के बारे में, मैंने बनाया, वो वीडियो मेरा वायरल होता जा रहा है दोस्तों। मुझे जो लगा मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सर्च में आने के लिए आपको डेली अपलोड करना होगा दोस्तों। मिलते अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।